हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू व्लॉग्स बाय अनीता जून। तो जी अब मैं आपको अपने प्लांट्स का अपडेट दे रही हूँ। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में बहुत बारिश हुई है, करीबन 5 दिन तक लगातार कंटिन्यूस दिन रात बारिश चलती रही है। तो मैंने कहा मैं आपके अपने प्लांट्स का अपडेट आपको देती हूँ। ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ बारिश के दौरान ही बना रही हूँ, और जब मैं एडिट कर रही थी तब बारिश बंद हो चुकी है। और जिस दिन मैं एडिट कर रही थी इसको, तो क्योंकि इनकी इनमें इतना पानी भर जाता था, तो मैं बार बार आ करके जब सुबह बारिश होती थी, शाम को मैं दोपहर में इनका किसी का पानी निकाल रही हूँ, किसी गमले को टेढ़ा कर रही हूँ, वही कर करके मैं थक चुकी थी। मैंने कहा कहीं किसी में ज़्यादा ही देर तक पानी ना रहे, कहीं इन रूट रॉट की प्रॉब्लम हो जाए, तो यही करती रही। फिर मैंने किसी गमले को तो लिटा के ही छोड़ दिया। मैंने कहा इसमें पानी बार बार ठहर रहा है, तो इसको ऐसे रख दो जैसे कि ये गमला मैं दिखा रही हूँ। तो तकरीबन अभी क्या हुआ कि ये मैंने जिस दिन कटिंग्स लगाई थी ना, उसी दिन से बारिश शुरू हो गई है, ट्यूसडे से ही। और शफलेरा की कटिंग का तो मुझे लग रहा है कि चल जाएंगी, लेकिन कनेर की कटिंग्स का मुझे डाउट है, क्या पता वो गल जाएँ, क्या पता, अभी देखती हूँ। और ये देखो टमाटो के सीड्स लगाए थे मैंने उसी दिन से बारिश चल रही है। अब देखो ये कब स्प्राउटिंग होगी इनकी। तो कनेर की कटिंग का थोड़ा सा मेरे को डाउट है कि कनेर की कटिंग शूट्स निकाले तो मेरे को तसल्ली होगी कि हाँ चलो फुटाव आ गया। और ये बरगद की भी मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, इसमें भी शूट निकल गया है। तो यही होता है कि अगर आपने प्रूनिंग कर रखी है, अगर पानी ज़्यादा गिरता रहे ना, तो डाईबैक की प्रॉब्लम आ जाती है स्टेम में। तो अगर शूट्स निकलने शुरू हो जाए ना, तो कम से कम ये तसल्ली हो जाती है कि हाँ प्लांट चालू है। तो मैंने ये शफलेरा जिस मदर प्लांट से काटा था ना, मैं उसका भी आपको दिखाऊंगी। मैंने 2 शफलेरा से कटिंग्स निकाली थी और मैंने वीडियो बनाया भी था, तो उसका भी दिखाऊंगी कि उसको डाईबैक ना होए। और ये देखो ये मेरा कंपोस्ट बिन भर चुका है, उसमें मैंने थोड़ी मिट्टी भी डाल दी, फिर थोड़ा बहुत और आ जाएगा। और ये स्वीट पोटैटो वाइन, ये भी मैं लाई थी पार्क में से निकाल के, तो ये भी अच्छी चल रही है साथ में। और ये सारे प्लांट्स हो तो गए हैं सारे बढ़िया, इतनी बारिश में तो प्लांट्स तो बढ़िया हो जाते हैं, लेकिन हम मेरा काम ये बढ़ गया क्योंकि ये अभी मैंने कुछ ही दिन पहले इनको अच्छे से खाद वगैरह दिया था, दवाई वगैरह डाली थी, वो क्या है सारी ड्रेन हो जाती है इतनी बारिश में, तो ऑब्वियसली सब ड्रेन हो चुका होगा। तो ये है वो शफलेरा का प्लांट, ये बोनसाई लुक में आ गया। इसकी रूट फॉर्मेशन जो है ना, एरियल रूट्स भी आ रही हैं, तो ये थोड़ा बोनसाई लुक में देने के लिए मैंने इसकी मोस्टली स्टेम्स निकाल ली थी और ये 2-3 ही छोड़ी थी। मैंने कहा इनका बाद में देखूंगी, तो अब देखते हैं अगर अच्छी शूट निकल जाएंगी तो थैंक गॉड कि भैया हाँ चल रही हैं इसकी टहनियाँ। तो बाकी सारे प्लांट्स ठीक ठाक हैं। अब बाद में खाद का काम बढ़ जाएगा मेरा, 15 दिन बाद दूँगी फिर से सब में, तो पहले नहीं तो अभी मैंने इन सबको अच्छे से खिला पिला दिया था सारा, सब 5 दिन की बारिश में सब भूल गया होगा। तो सारे ये फिलोडेंड्रॉन की भी मैंने स्टेम काट ली है और इसका भी मैं अपडेट दूंगी। इस फिलोडेंड्रॉन की स्टेम काटनी थी, वो बड़ी हो गई थी, तो वो भी मैंने लगा दी है एक और नए पॉट में। और मॉन्स्टेरा की लीफ भी खुल गई है। सारे प्लांट्स तो सारे बढ़िया हो चुके हैं, सारे ठीक ठाक हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई किसी को कोई दिक्कत हुई है, 1-2 को और देखना है मेरे को। और ये देखिए सारी बॉटल्स वगैरह, इनको भी पेंट करूंगी क्योंकि थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो मेरा मन है कि मैं इनको फिर से पेंट कर दूँ, थोड़ी साफ़ सुथरी सुंदर लगेंगी। और ये देखिए साइकस की ना लीव्स खुल गई हैं, लीव्स आई है ये, और ये काफ़ी टाइम बाद ऐसा हुआ है कि इस तरह से प्रॉपर सारी लीव्स ठीक ठाक है। नहीं तो अक्सर क्या होता है कि कीड़ा खा जाता है, यहाँ पर कीड़ा बहुत है, और इस बार कीड़ा नहीं था तो इस बार बारिश बहुत हुई है। तो बारिश से बचाने के लिए मैंने इसको यहाँ शेड में कर दिया था, क्योंकि इतनी बारिश में लीव्स तो गली जाती, किसी कीमत पे नहीं बच सकती थी। तो अब ये सारी खुल रही हैं, मैं फिर से अपडेट दूंगी कि जब ये बिल्कुल प्रॉपर खुल जाएगी इसकी कर्ल्स और ये कैसी शेप लेता है। और इन बॉटल्स पे पानी नहीं गिरता क्योंकि ऊपर शेड है, तो इनको तो मेरे को खुद ही पानी देना होता है, इनको बारिश का पानी नहीं मिलता है, ये सूखी रह जाती हैं। तो ये बारिश कितनी ही होए, मुझे प्लांट्स में पानी देना ही देना है, क्योंकि कुछ प्लांट्स ऐसी जगह रखे हैं जहाँ बारिश नहीं आती। तो ये था जी आज का, आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और देखिए कितने सुंदर हो गए हैं, कितने बढ़िया हो गए हैं, है ना। मेरे को तो इनको देख देख के बहुत खुशी मिलती है, और बारिश मेरे को लगता है फिर से तेज आएगी। मैं वीडियो बना रही हूँ और मेरे छाते पे भी टप बारिश ही चल रही है, लेकिन अब लगता है फिर से और तेज होगी, बिल्कुल काले बादल घिर आए हैं। और इधर का भी मैं फटाफट आपको अपडेट दे देती हूँ, अडेनियम का फूल खिल गया है, एक ही फूल खिला है अभी, और काफ़ी दिन तक खिला रहेगा ये।
और बाकी मिर्चों का हाल बुरा है क्योंकि जो फूल आए थे ना वो सारे बारिश में गिर चुके हैं, धुल चुके हैं। तो मिर्चों के साथ तो यही होता है। आज के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।